बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट, आज हमारा टॉपिक तीसरे चैप्टर का लास्ट होगा, जो कि शुमारियाती तस्वूर या शुमारियाती आलात हैं। इससे पहले हमने रियाजी के आलात या तस्वूर जो है उसको डिस्कस किया था मुआशियात के हवाले से। सबसे पहले हम ये जानते हैं डियर स्टूडेंट कि शुमारियात है क्या। आम तौर पर शुमार करना, गिनना, काउंट करना लिया जाता है। ये एक लातीनी लफ्ज़ है, स्टेटिस निकला हुआ लफ्ज़ है, स्टेटस से, जिसके मतलब रियासत के हैं। स्टेटस रियासत। पुराने वक्तों में हुक्मरान अपनी आमदनियाँ, ज़रई पैदावार और जंगी साजो सामान से मुतालिक जो है आदाद और शुमार फराहम करने के लिए शुमारियात की मदद लेते थे। अब इसमें काफ़ी तरक्की हुई है और नए नए तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं। यानी कि जब लोग सबसे पहले अकाउंटेंट रखे जाते थे, वही शुमार करते थे, गिनते थे, काउंट करते थे। पुराना तरीक़ाकार था, गिनती का अमल जो है ना होता था। लेकिन वक्त के साथ टेक्नोलॉजी ने तरक्की की और आज जो है उससे बहुत हालात जो हैं वो बेहतर हैं। डियर स्टूडेंट, शुमारियात को अंग्रेज़ी में स्टैटिस्टिक्स कहते हैं, जिसे वहद और जमा दोनों मायनों में लिया जा सकता है। इसके वहद के मानी जो है वह ऐसे शुमारियाती तरीके और आम असूल लिए जाते हैं जो मवाद इकट्ठा करने, यानी कि फैक्ट्स एंड फिगर, तादाद मवाद इकट्ठा करने, इकट्ठा कर लिया, फिर उसको तरतीब देने के बाद उसको तजिया करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जांच पड़ताल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि पहले डाटा इकट्ठा किया जाता है, फिर उसकी छांटी की जाती है, उसकी छानबीन की जाती है, फिर उसका तजिया किया जाता है। तजिया किस लिए किया जाता है? ताकि हम किसी रिज़ल्ट पे, किसी नतीजे पे पहुंच पाएँ। जमा के मफहूम में डियर स्टूडेंट, किसी तहकीक से मुतालिक तरतीब बार इकट्ठा किया हुआ मवाद, किसी तहकीक के मुतालिक, किसी मुहक्किक जो है वो यानी कि तहकीक करता है, पॉपुलेशन पे करता है, स्टूडेंट्स पे करता है, आबादी पे करता है, एजुकेशन पे करता है, तो ये जो तरतीब वार मवाद इकट्ठा किया गया होगा इसको भी शुमारियात यानी कि स्टैटिस्टिक्स कहते हैं। डियर स्टूडेंट, मुख्तलिफ माहरीन ने शुमारियात की अपने अपने अंदाज में, अपने अपने तरीके से इसकी डेफिनेशन की है। यूवेल एंड कैंडल लिखते हैं कि शुमारियात वो मकदारी मवाद है जो तादाद कसीर से मुतासर हो। तादाद कसीर से मुराद ये है कि ज़्यादा तादाद की नुमाइंदगी करता हो, यानी कि ज़्यादातर लोग जो हैं वो क्या हैं, यानी कि ज़्यादातर लोग हमारे यहाँ मिडिल तबका से ताल्लुक़ रखते हैं, तो हम भी नुमाइंदगी करते हैं उनकी। यानी कि आमदनियाँ कम हैं तो हमारी भी आमदनियाँ कम हैं, इसलिए हम उनकी नुमाइंदगी करते हैं, यानी कि ज़्यादा पॉपुलेशन की नुमाइंदगी करते हैं। वेबस्टर लिखते हैं, शुमारियात से मुराद मकदारी नोयत के ऐसे तरतीब शुदा हकायक लिए जाते हैं जो लोगों की किसी ख़ास हालत का इजहार करते हैं। हाँ जी, यानी कि पहले तो जो डाटा लिया जाता है उसके बाद उसे तरतीब दिया जाता है। वो तरतीब दिया हुआ डाटा जो एक रिज़ल्ट दें, एक नतीजा दें हमें, उन्हें यानी कि क्या कहेंगे, शुमारियात कहेंगे। हाँ, एल बोले लिखते हैं, शुमारियात गिनती की साइंस है। सबसे आसान डेफिनेशन कि इट इज़ अ साइंस ऑफ काउंटिंग, ऐसा इल्म जो कि काउंटिंग का इल्म है, शुमारियात का इल्म है। इसे स्टैटिस्टिकल यानी कि पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो गिनना है, शुमार करना है, काउंट करना है। इसी तरह से मुख्तलिफ माहरीन ने अपने अपने अंदाज में इनकी जो है डेफिनेशन जो है वो बयान की हैं। जैसे दौर जदीद के माहरीन लिखते हैं कि शुमारियात की साइंस ऐसे अददी बयानात की मज़हर है, अददी फैक्ट्स एंड फिगर 1, 2, 3, 4, 5, जिनका तज़िया और तहकीक की जा सकती है। इसके साथ ही इसमें इन असूलों का मुताला किया जाता है जो तहकीकी मवाद इकट्ठा करने, पेश करने, तज़िया करने और तौज़ीह करने में मदद देते हैं। यानी कि तरतीब डाटा इकट्ठा करना है, उसकी फिर तरतीब देनी है, उस पर तज़िया करना है और उस पर यानी कि उस पर एक ख़ास रिज़ल्ट जो है, नतीजा जो है वो निकाला जाता है। आगे है शुमारियात की अकसाम। क्वेश्चन आ सकता है शुमारियात से क्या मुराद है, इसकी अकसाम और इसके मवाद इकट्ठा करने के ज़राए बताएँ। तो शुमारियात की डेफिनेशन हम डिस्कस कर चुके मुख्तलिफ माहरीन के अंदाज में। डियर स्टूडेंट, अब हैं इसकी अकसाम। दो अकसाम हैं बुनियादी तौर पर। पहला है, जो पहली अकसाम है वो है शुमारियाती तरीके,
स्टैटिस्टिकल मेथड्स, दूसरा जो है वो है अप्लाइड मेथड्स यानी कि इतलाकी तरीके। ये जो शुमारियाती तरीके हैं ये क्या होते हैं, किसी तहकीक से मुतालिक जो इब्तदाई मवाद फराहम होता है वो काफ़ी पेचीदा और बेतरतीब होता है, इसे शुमारियाती तरीके से सादा और वाज़ह शक्ल दे दी जाती है ताकि इसे आम लोगों की समझ में आ सके। शुमारियात तरीके में ऐसे असूल और तरीके ज़ेरे बहस आते हैं जो किसी तहकीक से मुतालिक तादादी मवाद इकट्ठा करने, जमातबंदी, जदवल साजी, मवाजना करना, तोज़ी करना में रहनुमाई हासिल होती है ताकि इन अदाद शुमार के पेश नज़र मुस्तकबिल बारे में जो है पेश बेनी की जा सके यानी कि हालात के बारे में आगाही दी पेश गोई की जा सके यानी कि आने वाले हालात के बारे में हम उसे जो है ना बता सकते हैं कि पिछले डाटे की बुनियाद पे आने वाले हालात, आने वाले दिन जो है वो या आने वाला रिजल्ट जो है वो कैसा हो सकता है। जैसा कि आम तौर पर डियर स्टूडेंट आप सुनते होंगे कि न्यूज़ में अक्सर बताया जाता है कि कल आने वाले 24 घंटे में बारिश होगी या बादल होंगे या आंधी आएगी या गर्मी जो है सर्दी का, ये मौसम कैसे बताया जाता है, शुमारियात की वजह से बताया जाता है और शुमारियाती तरीके से ही इनके इसको इनके फैक्ट्स एंड फिगर को काउंट किया जाता है। डियर स्टूडेंट इसकी मैं दूसरी एग्जांपल देता हूँ कि जैसे कि ये अंदाज़ा लगाया जाता है कि अगर आबादी इसी रफ्तार से बढ़ती रही तो अगले 10 साल में आबादी इतनी होगी, इनकी एक फिगर दे दी जाती है। वो कैसे दे दी जाती है, वो पिछले शुमारियात वो पिछले डाटे को शुमार करते हुए, पिछले मवाद को शुमार करते हुए, पिछले मवाद का यानी कि तरतीब देकर उसका जो अंदाज़ा लगाते हैं उसकी बुनियाद पे हम आने वाले वक्त या हालात या पापुलेशन के बारे में, या अगर हम खुराक के हवाले से बात करते हैं तो गंदम, कपास और इसी तरह से जो है दीगर फसलें हैं उनके बारे में हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आइंदा जो है वो हमारी पैदावार क्या रहेगी। दूसरा तरीका जो है डियर स्टूडेंट वो है इतलाकी तरीका, जब इन शुमारियाती असूलों का इतलाक किसी ख़ास तजज़िये पे किया जाता है, मसले पे तजज़िया करने के लिए किया जाता है तो इसे इतलाकी जो है ना शुमारियात कहते हैं। मसलन पाकिस्तान में पिछले 20 सालों में कीमतों में जो इजाफा मालूम करने के लिए जो मखसूस तरीके इस्तेमाल किए जाएंगे वो इतलाकी शुमारियात के ज़िम्मे में आएंगे, यानी कीमतों में जो रद्द बदल हुआ, कीमतों में जो तब्दीली हुई उनको अप्लाई करेंगे यानी कि उनको फार्मूला लगाएंगे मौजूदा कीमतों की बुनियाद पे या यानी कि जिसको हम फिक्स बेस मेथड कहते हैं या मुस्तकिल बुनियादों पे, यानी कि मुस्तकिल एक कीमत ले ली जाती है, ये मुतहरक बुनियादों पे इसके भी एक तरीके यानी कि इस इंडेक्स नंबर को मालूम करने के लिए मुख्तलिफ तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं। जो जब अप्लाई किया जा रहा असल बात जो डियर स्टूडेंट वो ये है कि जब हम किसी फैक्ट्स एंड फिगर को डेटे को लेकर उस पर अमल करते हैं, उस पर उसको प्रैक्टिकल यानी कि उस पर यानी कि प्रैक्टिकल करते हैं उस पर, तो ये क्या होता है, इतलाकी तरीका होता है। इसके साथ जो है तादाद की मवाद की फ्राहमी भी है, इसके साथ साथ हम ये कह सकते हैं कि मुख्तलिफ सूरतों की वजाहत तो जो है इस तरह से भी की जा सकती है स्टैटिस्टिकल को डेटे को इकट्ठा करने के लिए कि तादादी मवाद की फ्राहमी एक टॉपिक है। किसी तहकीक के सिलसिले में बुनियादी काम ज़रूरी शुमारियाती मवाद की फ्राहमी होता है क्योंकि किसी भी मसले से मुतालिक ज़रूरी नतायज अक्स करने हों तो मुतालिका मालूमात हासिल करना ज़रूरी होता है। शुरू में ये मालूमात गैर वाज़े, गैर पेचीदा और यानी कि लिहाजा बेतरतीब, फिर इनको तरतीब देना ज़रूरी होता है। ज़रूरी मवाद की फ्राहमी के वक्त इस बात की तसल्ली कर लेनी चाहिए कि ये हकायक पर मबनी हो क्योंकि सही नतायज अक्स करने के लिए तादादी मवाद की सेहत को परखना ज़रूरी है, यानी कि वो फैक्ट्स एंड फिगर, वो डाटा जो आप तक पहुंचा है तरतीब देने के बाद आप मतलब उस पे आपका इतना यकीन होना चाहिए कि जो मतलूबा नतायज आप हासिल करने जा रहे हैं ये डाटा आपको ये यानी कि नतायज जो है वो दे सकता है। इसके जो ज़राए हैं तादादी मवाद की अकसाम सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं, फिर इसके ज़राए की तरफ भी आएंगे। इब्तदाई तादादी मवाद और सानवी तादादी मवाद। इब्तदाई तादादी मवाद ऐसा मवाद जो पहली बार इकट्ठा किया गया हो, जिसके जो खाम मवाद की सूरत में, खाम यानी कि डेटे की सूरत में मौजूद हो, इब्तदाई हालत में हो, इसे तजज़िये के लिए इस्तेमाल करने से पहले शुमारियाती तरीकों से गुजारना ज़रूरी हो।
ये इसे कहेंगे इब्तदाई डाटा, फंडामेंटल, यानी इब्तदाई डाटा, फंडामेंटल जो डाटा होगा जिसे हम कहेंगे। इसके बाद डियर स्टूडेंट, इसके इकट्ठा करने के तरीके क्या हैं, इब्तदाई मवाद को इकट्ठा करने के तरीके कौन कौन से हैं। मालूमात की बरह रास्त फरहमी, इस तरीके के तहत मालूमात इकट्ठा करने वाले अफराद ज़ाती तौर पर जाकर लोगों से मिलते हैं, यानी कि जो डाटा उन्हें चाहिए होता है वो पर्सनली जाकर जो ना मुतालका लोगों से लेते हैं। इस ज़िम्मे में ये ज़रूरी है कि मालूमात इकट्ठा करने वाले गैर जानिबदार और खुश अखलाक हों, लोगों का इन पर एतमाद हो, सवालात आम फहम हो, सादा हों और तहकीक का दायरा महदूद हो। यानी कि जैसे आम तौर पर मरदमशुमारी के दिनों में यानी कि जो स्टेटिस्टिकल डिपार्टमेंट की तरफ से जो लोग आते हैं घर घर जाकर यानी कि डाटा इकट्ठा करते हैं, तो ये जो पर्सनली तौर पर यानी कि जो लोगों से मिल रहे हैं इसको हम कहेंगे मालूमात की बरह रास्त फरहमी है। दूसरा, मालूमात की बिलवास्ता फरहमी, यानी कि अगर डायरेक्टली लोगों से मिलना मुश्किल हो, बरह रास्त लोगों से मालूमात इकट्ठे करना मुश्किल हो, तो फिर इनडायरेक्ट रास्ता, इनडायरेक्ट तरीका, यानी कि बिलवास्ता तरीका जो है वो अपनाया जाता है। मसलन करीबी दोस्त, हमसाए, किसी से इनकी मालूमात इकट्ठी करनी, ऐसे लोगों के लिए ज़रूरी है कि वो गैर जानबदार हों और मसाइल से मुतालिक आगाही रखते हों, यानी कि कौन जो डाटा दे रहे हों। इसी तरह से सवालनामे के ज़रिए बाज़ मुहक्किक जो है वो क्या करता है, सवालनामा भेज देता है, क्वेश्चन पेपर एक जिसमें डाटा यानी कि लिखा होता है उसको फिल करना जो है, फिल करके मंगवा लिया जाता है। जैसे कि एजुकेशन डिपार्टमेंट या स्टेटिस्टिकल डिपार्टमेंट ही की एग्जांपल ले लें कि मुख्तलिफ कॉलेज स्कूलों से यदि कि जब टीचर्स के बारे में या स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ के बारे में यानी कि मालूमात हासिल करनी हो, तो वो फिर क्या परफार्मा भेज देते हैं, ये सवालनामा भेज देते हैं। अब ये सवालनामा कैसा होना चाहिए, आम फहम हो और सादा हो, तमाम यानी कि जो जो मकसद, जिस मकसद के लिए ये सवालनामा तैयार किया गया है उस मकसद को पूरा करता हो, लोगों के ज़ाती राज पोशीदा होने चाहिए इस सवालनामे में, सवालनामा मुख्तसर हो यानी कि हाँ या ना में उससे क्वेश्चन किया गया हो, लोग पढ़े लिखे और ज़िम्मेदार हों ताकि सवालनामा पूरा करके वापस भेजें। यानी कि ये ज़रूरी है कि जिनसे क्वेश्चंस किया जा रहा है या जिनसे डाटा इकट्ठा किया जा रहा है वो मुतालका लोग जो हैं वो एजुकेटेड होने चाहिए, ज़िम्मेदार होने चाहिए, ताकि उस फॉर्म को फिल करके जो है ना वापस भेजने की ज़िम्मेदारी लें। इसी साथ साथ अगर लोग ज़िम्मेदारी का सबूत ना दें तो सवालनामा वापस ना करें तो वक्त और वसाइल जो हैं वो ज़ाय हो जाते हैं। डियर स्टूडेंट, आगे चौथा जो नुक्ता है इसका वो ये है कि तरबियत याफ्ता मुहक्किकीन के ज़रिए या फिर जो ऐसे लोगों के ज़रिए जो कि स्टैटिस्टिकल का ही काम करते हैं, इस महकमे में काम करते हैं, उन्हें तरीका आता है, उन्हें वे आते हैं मुख्तलिफ यानी कि जो है लोगों तक, लोगों से कैसे मतलब जो है ना मालूमात हासिल की जानी की जा सकती हैं। आगे ये मकामी नामा निगारों के ज़रिए, ये अखबारी नुमाइंदे जो लोग होते हैं, ये जो रिपोर्टर्स होते हैं मुख्तलिफ अखबारों के, चैनल्स, न्यूज़ चैनल्स के आजकल बहुत ज़्यादा हैं, तो इनके पास भी यानी कि जो मकामी आबादी है उनका अच्छा खासा डाटा मौजूद होता है। अगर मुहक्किक को इस हवाले से किसी भी किस्म का डाटा चाहिए तो वो जो इन मकामी नामा निगारों से राबता करके ये मालूमात हासिल जो है की जा सकती हैं। सानवी तादाद मवाद है, दूसरा जो मवाद है इसका, तादादी मवाद की अकसाम पढ़ी हमने, सानवी जो है दूसरा, इब्तदाई और सानवी। सानवी ऐसा मवाद होता है जिसको पहले किसी ने इकट्ठा किया हो और कम अज़ कम एक बार शुमारियाती तजिये से गुजर चुका हो, ये मौजू तौर पर मुरतब शुदा होता है और इसे तहकीक के लिए इस्तेमाल में लाया जा सकता है। इसकी आगे जो है इसे इकट्ठा करने के जो तरीके हैं वो दो हैं, एक है तबाशुदा मवाद, एक है गैर तबाशुदा मवाद। तबाशुदा मवाद क्या होता है, शाय हो गया, शाय हो जाता है जो अक्सर औकात जैसे कि बजट आता है, बजट के बारे में जो गवर्नमेंट्स जो पॉलिसीज बनाती हैं, जो प्लानिंग करती हैं, आमदनी, खर्च, टैक्स, आबादी, पॉपुलेशन, जॉब्स के हवाले से, रोज़गार के हवाले से, सरमायाकारी के हवाले से यानी कि बैरूनी सरमायाकारी के हवाले से, तो ये जो सारा डाटा जो मालूमात हैं, क्योंकि गवर्नमेंट के पास पिछले साल का डाटा मौजूद होता है या एक एक बार ये इस्तेमाल हो चुका होता है, इसलिए जो है इसे हम कहेंगे ये यानी कि एक बार कम अज़ कम इस्तेमाल ज़रूर हो चुका होता है।
इसलिए इसे सानवी तदादी मवाद कहा जाता है। यह इसकी एग्जांपल डेयर स्टूडेंट मैं इस तरह से भी दे सकता हूँ आपको कि जब बजट गवर्नमेंट एक साल का जो बजट होता है यानी कि जैसे 2021 माली साल 20 और 21 का जो बजट है वो गवर्नमेंट ने पेश किया हुआ है जून में। अब ये बजट पूरा साल इस पर अमल दरामद रहेगा, अगले बजट जब बनाया जाएगा नेक्स्ट यानी कि बजट तैयार करने के लिए ये जो डाटा है ये एक सानवी की हैसियत रखेगा क्योंकि एक बार ये नज़र से क्या हो चुका है, गुजर चुका है। इसके लिए ज़राए कौन से हैं, मरकजी सूबाई और मकामी हुकूमतें हैं, गैर सरकारी और नीम सरकारी इदारों की मतबात हैं इनके वो जो शेयर करते हैं डाटा, इमदाद बामी के अंजुमन हैं, ट्रेड यूनियन और कंपनियाँ वगैरह, बैंक वगैरह हो गए, तहकीकी मतबात जो कि तहकीक करने वालों ने जमा की हों यानी कि मुहक्किक जो होते हैं तहकीक करते हैं बाद का रिसर्च करते हैं, PhDs जो करते हैं, डॉक्टर्स बनते हैं जो वो मुख्तलिफ यानी कि उस पर जो उनके मौजू जो होते हैं उनके उनवानात जो होते हैं मजामीन जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, उन अपने मजामीन में वो महारत हासिल करने के लिए यानी कि अपनी डिग्री को कम्प्लीट करने के लिए वो तहकीक करते हैं, रिसर्च करते हैं, ये डाटा भी सानवी मवाद के ज़िम्मे में आ सकते हैं। इसके साथ साथ चैम्बर ऑफ कॉमर्स, स्टॉक एक्सचेंज और तजारती मतबात हैं, हाँ जी, क्योंकि इनके पास बिज़नेस के हवाले से सारी मालूमात होती हैं। एक यानी कि जो है यूँ कह लें कि स्टॉक एक्सचेंज जैसे कि एक ऐसा इदारा जिसमें रोज़ाना की बुनियाद पर कंपनियों के शेयर्स की खरीदो फरोख्त होती है। किसी भी मुल्क का जो आईना जो है होता है यानी कि मुआशी तौर पर आईना जो है उसे स्टॉक मार्केट को, स्टॉक एक्सचेंज को कहते हैं। तो ये यहाँ पे भी कंपनियों के मालूमात होती हैं, बिजनेसमैन की मालूमात होती हैं, शेयर खरीदे गए बेचे गए कितने लोग यानी कि लोगों की आमदनियों की क्या सूरत हाल है, बिजनेस इन्वायरमेंट की क्या सूरत हाल है, ये डाटा भी इनके पास मौजूद होता है। इसी तरह से बैरून ममालिक और बैन अवी इदारों की जो है मतबात है, मसलन बैन अवी मालियाती जरिए जो है मालियाती फ़ंड है, IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, इनके पास भी तमाम ममालिक का डाटा मौजूद है पॉपुलेशन के हवाले से, आबादी के हवाले से। इसी तरह से आलमी इदारा सेहत है, WHO, आलमी बैंक है और ये मुख्तलिफ यानी कि जो इदारे हैं बैन अवी इदारे दो किस्म के होंगे, मुल्की इदारे भी और बैन अवी इदारे भी, ये यानी कि सानवी मवाद की फरहमी में अहम किरदार अदा करते हैं। रिसाला जात और अखबार वगैरह भी हैं। आगे गैर तबाहशुदा मतूबात ज़राए सानवी तदादी मवाद, गैर मतूबा यानी कि ऐसा मवाद जो तबाह नहीं हुआ, अशात की तरफ नहीं गया यानी कि उसके उसको पब्लिश नहीं किया गया, उसको इशात नहीं किया गया, ये लेबर डिपार्टमेंट, रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट, ट्रेड यूनियन एसोसिएशन और मुहक्किकीन से यानी कि ये डाटा मिल सकता है। तो डियर स्टूडेंट आज का हमारा ये टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट हुआ, इसी के साथ हम ये चैप्टर भी क्लोज कर रहे हैं। इन डियर स्टूडेंट इस चैप्टर में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आम तौर पर पढ़ाई जाती हैं कोशिश की है मैंने वो पढ़ाए हैं आपको, उनके जो लेक्चर्स जो हैं वो आपको जो है रिकॉर्ड की करके जो है दिखाए गए हैं। डियर स्टूडेंट नेक्स्ट हम इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट जो चैप्टर है चैप्टर नंबर 4 वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो शुरू करने वाले हैं। अल्लाह ताला आपका हामी व नासिर हो।